पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तय पाने के बाद ऑलराउंडर ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लेने के बाद समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी काबिलियत पर एतमाद किया और मैं वर्ल्ड कप 2024 तक T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब हूं। उनका कहना था कि मैंने अपनी रिटायरमेंट के फैसले पर गौर किया और मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। जराए के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने PSL के बाद इमाद वसीम को फोन किया और उन्हें रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा दिया। शाहीन ने इमाद से कहा कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें। इसके अलावा कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने भी ऑलराउंडर इमाद वसीम से राबिता किया और उन्हें मशवरा दिया कि वो रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लें। जराए ने बताया कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लेने के हवाले से मशवरे के लिए वक्त मांग लिया। इसके अलावा इमाद ने इस सिलसिले में चीफ सिलेक्टर और कप्तान को अपनी शरायत से आगाह करते हुए गारंटी मांग ली। मोतबर जराए ने बताया कि PCB इमाद वसीम की शरायत पर सोच विचार करेगा। वाजह रहे कि 66 वनडे और 55 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले इमाद वसीम ने गुज़श्ता साल नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जो कि अचानक था। तमाम कैरेबियन प्रीमियर लीग में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद हाल ही में ख़त्म होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग में उनके उम्दा खेल के बाद मुख्तलिफ हलकों ने उनसे रिटायरमेंट वापस लेने का मुतालबा शुरू कर दिया था। गुज़श्ता साल सितंबर में होने वाली कैरेबियन प्रीमियर लीग में इमाद वसीम 313 रन के साथ तीसरे कामयाब बल्लेबाज रहे थे, जबकि उन्होंने 14 विकटें भी हासिल की थी। हाल ही में खत्म होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग में ऑलराउंडर ने अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार 3 मैचों में फतह दिलाकर फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था और फिर फाइनल में भी 5 विकटें लेने के साथ साथ अहम मौके पर दूसरे एंड पर डटकर खड़े हो गए थे, जिसकी बदौलत यूनाइटेड ने तीसरी मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। इस साल लीग में इमाद के 126 रन और 12 विकटों के आदादो शुमार शायद उनके फातेहाना किरदार से इंसाफ न कर सकें, लेकिन इस टूर्नामेंट के मैचेस को बराह रास्त देखने वाले नाजरीन और शायकीन इस बात से इनकार नहीं कर सकेंगे कि ये अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी एडिशन में ऑलराउंडर की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान और कौमी क्रिकेटर शादाब खान ने भी गुज़श्ता दिनों कहा था कि इमाद वसीम का शुमार दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है और उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए। वर्ल्ड कप इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होना है और वहां स्पिनर्स के लिए साजगार विकटों को देखते हुए इमाद वसीम का किरदार इंतहाई अहम होगा।